भारतीय सेना में शामिल होने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। सैन्य बलों में जल्द ही एक नए तरीके से सैनिकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। इसे कम बजट में युवाओं को रोजगार देने के इरादे से जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी को पहले प्रायोगिक आधार पर शुरू किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर करीब 2 साल से तैयारी चल रही थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल में सैनिकों की भर्ती में भारी कटौती की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक वर्तमान में सेना, वायुसेना और नौसेना में 1,25,364 पद खाली हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो टूर ऑफ ड्यूटी योजना को 2020 में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा लगाया गया था। हाल के महीनों में सरकार के शीर्ष स्तरों पर इसके आकार और दायरे का विचार विमर्श किया गया। अब शीर्ष नेतृत्व से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय में टूर ऑफ ड्यूटी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना की अंतिम रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। इसका मकसद 3 साल की निश्चित अवधि के लिए सामान्य और विशेष कर्तव्यों दोनों के लिए सैनिकों की बहाली है। इससे सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती की अवधारणा में बदलाव की उम्मीद है। नई प्रक्रिया में 3 साल के अंत में अधिकांश सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। यदि सैनिकों की एक बड़ी संख्या को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लिया जाता है तो वेतन, भत्तों और पेंशन में हजारों करोड़ की बचत हो सकती है। इस अभियान का मकसद सरकार की लागत को कम करने के साथ साथ हर साल हजारों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देना है। भर्ती किए गए युवाओं में से सर्वश्रेष्ठ होने पर अपनी सेवा जारी रखने का अवसर भी मिल सकता है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा रखते हैं। यहाँ तक कि सेना में शामिल होने के लिए कुछ युवा तो अनोखी मिसाल भी कायम कर देते हैं। हाल ही में एक युवक भारतीय सेना में शामिल होने के लिए राजस्थान के सीकर से दिल्ली में एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर पहुंचा था। उससे पहले नोएडा में आर्मी की तैयारी के लिए दौड़ते 19 साल के युवक का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। ऐसे युवाओं के लिए टूर ऑफ ड्यूटी सेना में भर्ती होने का अच्छा मौका प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, मेरा नाम है अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, आज हम आपको बताएंगे जो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो सेना के अंदर अभी शामिल की जाएगी उसका क्या पूरा प्रोसेस है। हमारा वीडियो ध्यान से देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको भर्तियों की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है दोस्तों, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होएगा, हम वीडियो डाल देंगे, भर्ती निकल जाएगी, आपको बाद में पता लगेगा। तो इसलिए साथियों, हमारे चैनल को, और जब हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल पर लाइक करें। हम आपको गलत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमारे चैनल का नाम है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, बहुत दिन के बाद में हम आपके समक्ष रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है, हमने आपके हित की आवाज़ उठाई थी। जो स्ट्राइक हुए थे, कुछ बच्चों ने स्ट्राइक किए थे, उनकी आवाज़ सरकार के ख़िलाफ़, तो हमारा चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया था। लेकिन हम ये आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे साथियों, हम आपके हित की आवाज़ पक्का उठाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, आप सपोर्ट करो हमें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं गेम की, फिजिकल की, वो भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम अजीत फौजी, जय हिंद साथियों। तो साथियों, हम बताएंगे अभी आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, देश की तीनों सेनाओं में अब सैनिकों को सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएंगी। ये अभी तक कोई भी इसका गजटेड नोटिफिकेशन नहीं आया है साथियों, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, सूत्रों के हवाले और अखबारों के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं उसके तहत इस महीने यानी जून के अंदर इसका पूरा बाय डाटा डिक्लेयर कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, और जुलाई से ये लागू कर दिया जाएगा, जुलाई में भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। और साथियों, इसके तहत जो है सेना के अंदर 4 साल के लिए बंदे को कमीशन मिलेगा। जो भी भर्तियां होंगी, और भर्तियां उसी माध्यम से होंगी जो पहले भर्ती का माध्यम रहा है,
जैसे फिजिकल होता था, मेडिकल होता, टेस्ट होता है, उसके कुछ समय के बाद बदलाव किया जाएगा। उसमें पहले लिखित परीक्षा होगी, लेकिन अभी बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव कुछ दिन के बाद किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल होगा। इस प्रकार से उनको बेसिक 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ा करेगी। जो बच्चे टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे, उनको जो आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, वो 6 महीने करनी है। और इसमें अमूमन जो है 18 साल के युवा सेना में शामिल होंगे, और वो 4 साल बाद उनको मैक्सिमम को बाहर कर दिया जाएगा। और जो कुछ परमानेंट होंगे, उनके लिए एक बोर्ड गठन किया जाएगा। वो बोर्ड जो है उनकी योग्यता के आधार पर कुछ को ही परमानेंट कमीशन में बदली करेगा। तो इस प्रकार से इस 4 साल के दौरान उन्हें 30,000 रुपये के रूप में सैलरी मिलेगी, और साथ में उनको डिग्री और डिप्लोमा कोर्स वगैरह कराए जाएंगे, ताकि वो सेना से बाहर जाने के बाद में भी अपना कुछ और जॉब में ट्राई कर सकें। और उनको कोई भी ना तो पेंशन मिलेगी, और ना कोई ECHS जो हेल्थ स्कीम वगैरह होती है उनके तहत बेनिफिट दिए जाते हैं सैनिकों को, वो मिलेंगे। तो इस प्रकार से टूर ऑफ ड्यूटी का शेड्यूल रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है, जो 4 साल की ट्रेनिंग सर्विस पूरी करने के बाद बाहर जाएंगे, तो उनको लगभग 10 से 12 लाख रुपए की नगद राशि जरूर मिलेगी, ताकि वो अपना कोई भी काम या बिजनेस शुरू कर सकें। तो इस प्रकार से अगर सर्विस के दौरान किसी ड्यूटी पे किसी सैनिक की मौत हो जाती है, तो उस दौरान परिवार को वही बेनिफिट मिलेंगे जो एक सैनिक को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये रहेगी टूर ऑफ ड्यूटी, और इसके अंदर मैक्सिमम युवा बाहर हो जाएंगे। कुछ परसेंटेज ही जो अच्छे और ऑनर कैंडिडेट होंगे, उनको कमीशन दिया जाएगा, बोर्ड बनेगा उसके लिए। इस प्रकार से ये बोर्ड निश्चित करेगा कौन परमानेंट होगा, कौन नहीं होगा, किसको बाहर जाना पड़ेगा। ये अफसर में भी ऐसा ही होता है, जो अफसर 5 साल के लिए सेना में आते हैं SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर, तो उनका भी बोर्ड गठित होता है, और उसमें से 15 से 20% ही अफसर जो परमानेंट कमीशन में तब्दील होते हैं, बाकी सब बाहर चले जाते हैं 5 साल सर्विस करने के बाद में। तो इसी प्रकार से ये टूर ऑफ ड्यूटी का रहेगा। तो साथियों, और ज़्यादा जानकारी जल्दी ही इस महीने में शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरा आपको डिटेल पता लग जाएंगी। बाकी अपनी तैयारी रखें, जल्द ही भर्तियां शुरू होंगी, आपको बता देते हैं दोस्त। और टेस्ट भी होगा, कहीं कैंसिल नहीं हुआ। जो मेरे साथी भाई कह रहे हैं कि टेस्ट कैंसिल हो गया, तो टेस्ट कैंसिल नहीं है साथियों, तैयारी रखें अपनी, जल्द ही टेस्ट की डेट आने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।